आप देख रहे हैं उदित राज न्यूज, सब पर नजर, सबकी खबर। मेरा नाम लालजी यादव है जी। भारतीय किसान यूनियन आजाद का जिला अध्यक्ष नाम नियुक्त हुआ हूँ। इस परिप्रेक्ष्य में इस गन्ना संस्थान बाराबंकी में सब एक लोग हैं। इससे पहले किस आप यूनियन में थे? इससे पहले मैं भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति में था। अच्छा। मैंने वहाँ रिजाइन दे दिया और आज मैंने भारतीय किसान यूनियन आजाद झंडे को थाम लिया हूँ। किन किन नव नियुक्त पदाधिकारियों को किन किन पदों पर नियुक्त किया गया है? जिला महासचिव गजराज यादव जी हैं, प्रधान भी हैं, हमारे महासचिव हैं और लाल बादशाह कहते हैं वो हमारे मंडल अयोध्या के मंडल अध्यक्ष बनाए गए हैं। मणिराम शर्मा जी हैं जो जिला प्रभारी बनाए गए हैं। सलीम हैदरगढ़ के उपाध्यक्ष हैं विधानसभा के। और नीलम सैनी जी हैं जो महिला जिला अध्यक्ष बनाई गई हैं। और सुनील यादव जी जो प्रदेश के महासचिव बनाए गए हैं। और तहसील अध्यक्ष दिनेश यादव जी सदर बाराबंकी के बनाए गए हैं। और उनका क्या कहते हैं अनिल यादव जी हैं। अरे सैकड़ों कार्यकर्ता आज हमारे साथ में पदाधिकारी बनाए गए हैं। किन किन पदों पर जो है किन किन पदाधिकारियों की उपस्थिति में आज आपका कार्यक्रम संपन्न हुआ? ये प्रदेश के हमारे एसडी सिंह साहब हैं, वो प्रदेश अध्यक्ष हैं। उनकी अगुवाई में आज मुझे बाराबंकी का जिला अध्यक्ष बनाया गया है। और राष्ट्रीय युवा के प्रभारी हैं, अध्यक्ष जी हैं श्याम जी वाजपेयी जी। महिला सुनीता जी जो महिला प्रदेश अध्यक्ष हैं वो भी हमारे साथ हैं। और राष्ट्रीय प्रभारी भी हमारे यहाँ इस किसान आर्यन सिंह साहब हैं। तमाम राष्ट्रीय कमेटी और प्रदेश कमेटी और महिला कमेटी के साथ आज हमारा जो बाराबंकी में आगे की नीति क्या रहेगी, किस तरीके से किसानों के आंदोलन को आप बुलंद करेंगे और किसानों की परेशानियों को, किन परेशानियों को आपने अभी तक सोच रखा है जिनको आप निवारित कराएंगे? देखिए बाराबंकी में हमारे एक लड़ाई चल रही शासन में। सबसे पहले किसानों के घर में बिजली 1 किलोवाट बिजली खर्च नहीं कर पाता था किसान और सरकार ने जबरदस्ती 2 किलोवाट का कनेक्शन उसको लगा दिया। बहुत बढ़िया। उसको हटाने के लिए हमारी लड़ाई चल रही है। और ये हमारी मांग है कि किसान को 2 महीने के अंदर जो है किसान को बिजली का बिल पहुंच जाना चाहिए। साल साल दो दो साल तक बिजली बिल नहीं पहुंचता है उसके घर, उसके बाद उसको नोटिस हो जाती है, कनेक्शन काट दिया जाता है, परेशान किया जाता है। क्या इसके लिए कोई ज्ञापन दिया आपने जिला? जी, इससे पहले हमने दिया है। इसको मजबूती से लड़ाई लड़ने का काम करेंगे अपने प्रदेश अध्यक्ष जी की अगुवाई में। और इस तरीके से बाराबंकी में किसानों के आवारा पशु जमीन में बिल्कुल गेहूँ खेत में नहीं बचा, सारी फसलें नाश कर जा रही हैं, कोई देखने वाला नहीं। सरकार बढ़ावा दे रही है, उसको रोकने का काम नहीं कर रही, इस पर भी लड़ाई चल रही है। और एक बाराबंकी में हमारे कल राष्ट्रपति आए थे, राज्यपाल महोदय आए थे। हमारे बाराबंकी में एक प्रगतिशील किसान रामशरण वर्मा जी को घोषित कर दिया गया। राष्ट्रपति से लेकर मुख्यमंत्री और राज्यपाल से लेकर के सभी लोग उन्हीं को खाली बढ़ावा दे रहे हैं। बाराबंकी में उनसे अच्छे और भी किसान खेती करने वाले हैं, उनके साथ अन्याय होता है, उनको जो है कोई भी लाभ नहीं दी जा रही। सारी सरकार की जो जितना धन आता है उसे रामशरण वर्मा जी को दे दिया जाता है। और रामशरण के अलावा जनपद में उनसे अच्छी खेती करने वाले किसान हैं, हम दिखाएंगे। शासन से हमारी लड़ाई चल रही है, राज्यपाल मुख्यमंत्री को हमने लिखा है कि इसका जो है समाप्त किया जाए। बेर बेर कल राष्ट्रपति आए थे, राज्यपाल महोदय आए थे, हाँ उसी के यहाँ जब देखो तो आकर बैठ जाते हैं और फोटो खिंचा के चले जाते हैं। बाराबंकी के किसानों का सारा पैसा जो बजट आता कृषि में उन्हीं को दे दिया जाता है। ट्रैक्टर उनको फ्री दे दिया जाता है, उनको सारे यंत्र फ्री दे दिया जाते हैं, उनको ट्यूबवेल बिजली फ्री दी जा रही। क्या इसके लिए किसान आंदोलन करेंगे? करेंगे, उसकी तैयारी बना रहे हैं कि जनपद के हर गांव-गांव में जाकर के जनपद में जो अच्छी खेती करने वाले किसान उनकी लिस्ट बना रहे हैं। और रामशरण से अच्छी खेती करने वाले नहीं होंगे तो हमारी बात मन सुनी जाए। अगर रामशरण से अच्छी खेती करते हैं लोग तो उन भी किसानों का सम्मान होना चाहिए, उनको भी उस श्रेणी में लाया जाए। ये बहन अरे जिलाध्यक्ष जी, और मैं हरदोई से सदस्य जिला पंचायत के पद पर व जिला कार्यकारिणी के पद पर और अपने भारतीय किसान यूनियन आजाद में प्रदेश महिला के अध्यक्ष के पद पर सुशोभित हूँ।
किसानों की किन लड़ाइयों को लेकर आप संघर्षरत हैं? देखो, किसानों की अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा किसान ही मारा जा रहा है, किसान के हर अधिकार छीने जा रहे हैं। ऐसा कोई अधिकार उनको दिया ही नहीं गया, चाहे वो बीज का हो, चाहे खाद का हो, चाहे उनके पानी का हो, चाहे बिजली का हो। यानी अगर देखा जाए तो उनके खेतों में जो फसलें तक खड़ी हुई हैं, मेरे भाई बड़ी मुश्किल से वो अपने बड़ी मुश्किल से खेत को बुआई कर पाता है। अगर देखा जाए तो सारे हमारे पशु जो जानवर हैं उनकी खेतों की फसलें खाए जा रहे हैं। आपके संगठन के पदाधिकारी इस संदर्भ में कुछ कर रहे हैं या? जी जी, अच्छा। जी बिल्कुल कर रहे हैं। देखो, हमारे साथ में आज मौजूद है हमारे राष्ट्र कमेटी के प्रभारी श्री आर्यन सिंह गुरु जी और प्रदेश की कमेटी जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय यश डी सिंह जी और प्रदेश के हमारे प्रभारी माननीय कुरील ये शिवाधार कुरील साहब जी और हमारे साथ में राष्ट्र के युवा अध्यक्ष जो हमारे श्याम जी मिश्रा जी और हमारे प्रवक्ता राष्ट्र के जो हमारे अंकित चौहान जी। इस तरह से हमारे राष्ट्र व प्रदेश के सभी कार्यकर्ता हमारे साथ में उपस्थित हैं। जो संगठन विस्तार हुआ है जी जी, उसमें क्या आगे की रणनीति बाराबंकी के लिए है? रणनीति ये रहेगी कि आने वाले, ये सक्रिय हमारी टीम है, बहुत सक्रिय, और हम यही चाहेंगे कि यूपी के ही नहीं, बाराबंकी के ही नहीं, हमारे देश के कोने कोने में किसान को जगाने का काम करेंगे और हर किसान के अधिकार की लड़ाई लड़ करके और उन्हें अधिकार दिलाने का काम करेंगे। चाहे हमारी महिला हो और चाहे हमारा पुरुष वर्ग हो, आज हमारे इस सभा में हमारे माननीय क्या नाम दिला दीजिए जी का जी को अभी मैंने हम हमारी टीम ने चुनाव किया है और इसी कड़ी में हमारी बहन नीलम सैनी जी महिला जिलाध्यक्ष बनाई गई हैं। हम तो यही कहेंगे कि हमारी ये टीम देश के कोने कोने के गरीब मजदूर असहाय किसानों को जगाने का काम करेगी और जगा कर उन्हें अधिकार दिलाने का काम करेगी। हमारी भारतीय आजाद किसान यूनियन के सामने हमेशा तत्पर रहेगी। यहीं बाराबंकी प्रॉपर बाराबंकी का हूँ। पहले मैं अम्बावता में मंडल अध्यक्ष था, वहाँ से मैं आज रिजाइन देकर के मैं भारतीय किसान यूनियन आज़ाद में अपना जो है मेरा हमारे प्रदेश अध्यक्ष सूर्यदेव सिंह जो है इनकी अगुवाई में और हमारे राष्ट्रीय युवा जिला युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्याम जी मिश्रा जी हैं और प्रदेश प्रभारी शिवाधार कुरील जी और समस्त पदाधिकारी गणों के साथ रह करके मैं मुझको जो है प्रदेश महासचिव पर नियुक्त किया गया।